नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लाई हूँ रीट एग्जाम और अन्य कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कक्षा 12 की पुस्तक का सार। पिछले वीडियो में मैंने आपको गुट निरपेक्षता की विशेषताएं, गुट निरपेक्षता के का थोड़ा सा परिचय मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। आज हम देखेंगे कि अब तक विश्व में कितने नाम के सम्मेलन हो चुके हैं, भारत में गुट निरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता और आज वर्तमान में गुट निरपेक्षता आंदोलन की क्या प्रासंगिकताएं हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गुट निरपेक्षता। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया का सुकर्णो, घाना का ऐना क्रुमा ऐसे संस्थापक सदस्य थे जिन्होंने एफ्रो एशियाई सम्मेलनों के माध्यम से एक ऐसे संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया जो कि विश्व में विकासशील राष्ट्रों के लिए एक रंगमंच बन सके। वो था आपका गुट निरपेक्षता, जिसकी स्थापना 1955 में बांडू में जिसकी स्थापना की गई और जिसका प्रथम अधिवेशन बेलग्रेड इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। जब गुट निरपेक्ष आंदोलन संगठन बना उस समय इसके 25 सदस्य थे और अभी वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के 120 सदस्य है। यूएनओ के बाद अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर एशियन और अफ्रीकन राष्ट्रों का जो प्रतिनिधित्व करता है वो है आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखिए विद्यार्थियों, गुट निरपेक्षता की अगर हम बात करें तो वैसे भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है गुट निरपेक्षता, लेकिन विद्यार्थियों फिर भी नाम के जितने 18 सम्मेलन जो हो चुके हैं केवल एक सम्मेलन भारत में हुआ है 1983 में। 1983 में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी ने भारत में नई दिल्ली में 7वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में नियो अर्थव्यवस्था पर जोर के बारे में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई अर्थव्यवस्था नीति को अपनाया जाना चाहिए और इस नीति पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया कि हमें राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी विदेश नीति का निर्धारण करना चाहिए। तो अब तक जितने सम्मेलन हुए हैं विश्व में नाम के, उनमें से केवल एक सम्मेलन ही भारत में हुआ है विद्यार्थियों, उसका नाम है 7वां शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए कौन कौन से सम्मेलन अब तक विश्व में हो चुके हैं नाम के, कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। देखिए पहला सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में 1961 में, 3 वर्ष के बाद शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है। गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन हर 3 वर्ष पूरे होने के बाद जो है 3रे वर्ष में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया में हुआ। उस समय गुट निरपेक्षता के सम्मेलन में कितने सदस्य थे विद्यार्थियों, 25 सदस्य थे। फिर आता है दूसरा सम्मेलन मिस्र में हुआ, काहिरा नामक स्थान पर 1964 में हुआ था। तीसरा सम्मेलन लुसाका जाम्बिया में आयोजित किया गया और 1970 में 3रे सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चौथा सम्मेलन अल्जीरिया में हुआ, अल्जीरिया में 1973 में। पांचवा सम्मेलन हुआ कोलंबो में 1976 में। छठा सम्मेलन हुआ हवाना क्यूबा में 1979 में। इस हवाना सम्मेलन में ध्यान रखना विद्यार्थियों, पहली बार जो है शीत युद्ध का जो दौर था अपनी चरम सीमा पर था। क्यूबा संकट जो है उस समय छाया हुआ था और इस समय अफगानिस्तान पर आक्रमण की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी, दूसरा शीत युद्ध प्रारंभ हो रहा था। तो हवाना जो सम्मेलन था, उस हवाना सम्मेलन में जो शीत युद्ध के दौर में किसी भी गुट में शामिल न होने की जो रणनीति थी
वो इस सम्मेलन के दौरान अपनाई गई। फिर आता है विद्यार्थियों सातवां सम्मेलन, सातवां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इस समय भारत ने जिस गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया उसको मोरारजी देसाई के द्वारा असली गुटनिरपेक्षता की नीति कहा गया। क्या कहा गया? सातवां शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में हुआ उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और इस समय भारत के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उसी को कहा जाता है असली गुट निरपेक्षता। क्या कहा जाता है? असली गुट निरपेक्षता, क्योंकि इस समय भारत का रुझान सोवियत संघ की तरफ ज्यादा हो गया था क्योंकि भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय रक्षा समझौता कर लिया था, तो इस समय इसको असली गुट निरपेक्षता की नीति कहा गया। ठीक है, तो 1983 में अब तक नाम का एकमात्र अधिवेशन भारत में आयोजित किया गया, उसका नाम है सातवां शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इस समय नाम के 101 सदस्य थे। उसके बाद आता है आठवां सम्मेलन जो कि हरारे में हुआ 1986 में, नवा सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ 1989, ध्यान रखना पहला सम्मेलन और नवा सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। दसवां सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित हुआ 1992 में। उसके बाद ग्यारहवां सम्मेलन कार्टागेना में हुआ जो कि कोलंबिया में है 1995 में। बारहवां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित किया गया 1998 में और 13वां शिखर सम्मेलन इस समय जो 12वां शिखर सम्मेलन 1998 में हुआ उस समय विश्व परिदृश्य में जो है वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये सारी निजीकरण इनका दौर चल रहा था और विश्व अर्थव्यवस्था में एक नई चीज लाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो थी नई अर्थव्यवस्था। नियो की अर्थव्यवस्था को अपनाए जाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया डरबन सम्मेलन में। 13वां सम्मेलन कुआलालंपुर में हुआ 2003 में। 14वां सम्मेलन हुआ हवाना में 2006 में और 15वां शिखर सम्मेलन हुआ 2009 में और 16वां शिखर सम्मेलन हुआ तेहरान में, ईरान के तेहरान में जो है 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस 16वें शिखर सम्मेलन में अजरबैजान और फिजी को मिला लिया गया। किसको मिला लिया गया? अजरबैजान और फिजी को नाम के सदस्यों में मिला लिया गया था विद्यार्थियों। और इस शिखर सम्मेलन के बाद नाम के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 120 हो गई है विद्यार्थियों। 17वां शिखर सम्मेलन वेनेजुएला में 2016 में हुआ। 18वां शिखर सम्मेलन विद्यार्थियों जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और 2019 में अक्टूबर 2019 में अजरबैजान के बाकू शहर में 18वां शिखर सम्मेलन हुआ और इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन उस गणराज्य के इलहाम अली एव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इस 18वें शिखर सम्मेलन ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 18वें नाम सम्मेलन का क्या किया? प्रतिनिधित्व किया। इस बार भी भारत के प्रधानमंत्री ने नाम सम्मेलन में अपनी भागीदारी नहीं की। ध्यान रखना विद्यार्थियों 2016 में जो 17वां वेनेजुएला का अधिवेशन हुआ था उस समय में भी भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इससे पहले 1979 में जब हवाना में सम्मेलन का आयोजन हुआ था उस समय प्रतिनिधित्व किया था चौधरी चरण सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय से लेकर के 2016 और 18 में ही भारत के प्रधानमंत्री ने नाम सम्मेलन का अधिवेशन नहीं किया है। अब बात ये आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि 2016 के बाद भारत ने नाम में
भारत के प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। इसके पीछे कई लोग कहते हैं कि जलवायु संबंधी मुद्दे पर नाम क्या नहीं है, सहमत नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, भारत और चीन के बीच में विवाद चलता रहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चलता रहता है, और उनकी जो आपसी वार्तालाप के जो समझौते होने चाहिए वो सही तरीके से नहीं सुलझ पा रहे हैं। तो नाम के बारे में भारत का दृष्टिकोण धीरे 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 कम होता जा रहा है। भारत नाम में अपना इंटरेस्ट कम ले पा रहा है। इसके अलावा G20 और जो भी विकासशील देशों के संगठन बने हुए हैं, ब्रिक्स सम्मेलन है, उनमें भारत अपनी भागीदारी ज्यादा अदा कर पा रहा है। गुट निरपेक्षता के प्रति 2016 से लेकर के 2019 तक देखेंगे तो भारत की गुट निरपेक्ष आंदोलनों के प्रति, शिखर सम्मेलनों के प्रति रुझान कम हो गया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर नाम गंभीर नहीं है, आतंकवाद जैसे मुद्दों को सुलझा नहीं पाया है, दो देशों के बीच में आपसी विवाद को नाम नहीं सुलझा पाया है। कई कूटनीतिज्ञ चाले या मान सकते हैं आप कि जो आपसी समझौते और संधियां हो रही है उससे पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंध सही नहीं है, उन संबंधों के कारण भी गुट निरपेक्ष आंदोलन अधिक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो भारत का रुझान गुट निरपेक्षता के प्रति धीरे 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 कम हो रहा है। अब बात आती है, आपने देख लिया भारत और गुट निरपेक्षता। अगर हम पहले की बात करें तो भारत गुट निरपेक्षता का संस्थापक सदस्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को अपनाया था। भारत ने जब भारत आजाद हुआ था उस समय स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया था, दोनों गुटों में शामिल नहीं हुआ था। तो ये भारत की विदेश नीति का अंग है, लेकिन विद्यार्थियों धीरे 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 करके आज भारत की प्रासंगिकता या भारत का रुझान गुट निरपेक्षता की तरफ कम होता जा रहा है। विद्यार्थियों अब 2.0 जो गुट निरपेक्षता है, आज जो हमारे आ रहा है 2.0 गुट निरपेक्षता की बात करते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा है कि आज जो गुट निरपेक्षता का दौर चल रहा है, इस दौर में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, इन समस्याओं पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। जो नाम के 5 सिद्धांत थे उन सिद्धांतों के अलावा आज आतंकवाद के मुद्दे पर, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था संबंधी समझौतों पर, इन सब पर डिस्कस किया जा रहा है नाम के सम्मेलनों में। विद्यार्थियों तो अजरबैजान के बाकू शहर में जो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ 2019 में, उसमें भी जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। विद्यार्थियों ठीक है, तो 2.0 गुट निरपेक्षता में पांचों जो पुराने नियम थे उनको नहीं अपना करके नई गुट निरपेक्षता की नीति आई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, संधि जो हो रही है, व्यापार संबंधी जो समझौते हैं, ये सारे जो चीजें हैं वो गुट निरपेक्षता के अंदर हो रही है। विद्यार्थियों अब बात आती है गुट निरपेक्षता का संगठन कैसा है। तो गुट निरपेक्षता का जो संगठन है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, समन्वय ब्यूरो, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और शिखर सम्मेलन। आप ध्यान रखना विद्यार्थियों, समन्वय ब्यूरो एक कार्यकारी भुजा है। विश्व राष्ट्रों के मध्य जितने भी संधि और समझौते होते हैं वो उनके ऊपर जो प्रशासनिक कार्य करने होते हैं वो समन्वय ब्यूरो करता है। गुट निरपेक्षता के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजन, शिखर सम्मेलन से पहले मंत्रियों के सम्मेलनों का आयोजन होता है, उनमें जिन जिन चीजों पर डिस्कस होता है उनके मेन मुद्दों को शिखर सम्मेलन में उठाया जाता है। तो ध्यान रखना गुट निरपेक्षता के 3 अंग है, समन्वय ब्यूरो, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना, पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में, 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपनी भागीदारी दी। 2016 में हामिद अंसारी ने भागीदारी दी थी और 1979 में चौधरी चरण सिंह के काल में भी किसी दूसरे ने ही भारत की का प्रतिनिधित्व किया था। भारत के प्रधानमंत्री ने गुट निरपेक्षता का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें अपनी भागीदारी नहीं दी थी। तो विद्यार्थियों
आज हमने गुट निरपेक्षता के शिखर सम्मेलनों के बारे में चर्चा की, तो ध्यान रखना है इसमें से एक क्वेश्चन आपके आ सकता है, स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है सारे सम्मेलन नहीं तो भारत का सम्मेलन, लास्ट के तीन सम्मेलन और स्टार्टिंग के दो या तीन सम्मेलन आपको याद होने ही होने चाहिए। तो इसके लिए आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल पर बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और कमेंट दें, ताकि आगे के वीडियोस को भी मैं इसी तरह से आपको बताती रहूं। धन्यवाद।